हमारी फर्स्ट वेबसाइट है ऑटो ड्रॉ। ऑटो ड्रॉ एक ML बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे आपको दो सेक्शंस मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड पे और एक टॉप साइड पे। आप इनका इस्तेमाल कर कोई भी शेप्स या फिर कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डायग्राम्स बना सकते हैं। ये एक ML बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आपको इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ करिए और वो आपको उसका सजेशंस दे देगा जिससे आपको वो बनाने में आसानी होगी। देखिए इस तरीके से। हमारी सेकंड वेबसाइट है इमेज फ्लिप। हम इमेज फ्लिप का इस्तेमाल कर कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें जो मेरे को इसकी काफ़ी कूल लगी वो है, पहला आप इनमें ट्रेंडिंग मीम्स को एडिट कर सकते हैं। जितनी भी ट्रेंडिंग मीम्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप इनको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं मीम को एडिट करने के लिए। दूसरा इसका जो कूल ऑप्शन है जो कि मुझे अच्छा लगा वो है, इनमें आप अपने स्कूल प्रेजेंटेशन और स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पाई चार्ट्स, डोनट चार्ट्स और यहाँ बार ग्राफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है एक स्टूडेंट के नज़रिए से। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ऐसे कुछ टूल्स की ज़रूरत है जिससे आप चार्ट्स वगैरह बना सके अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये काफ़ी इफेक्टिव वेबसाइट है। हमारी थर्ड वेबसाइट है फोटोपी। फोटोपी दो तरीके से आपकी काफ़ी मददगार हो सकती है। पहला, अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो इस वेब अल्टरनेटिव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कहीं ऐसी जगह गए हैं अपने ऑफिस में या फिर कहीं ऐसी जगह जहां पे आपको फोटोशॉप की ज़रूरत है लेकिन वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो आप इस वेब अल्टरनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे टूल्स मिल जाते हैं जो कि एक फोटोशॉप जैसे एडिटर टूल्स में मिल जाते हैं, तो आप इमेज को अपनी मर्जी से इसमें एडिट कर सकते हैं। हमारी फोर्थ वेबसाइट है एनिमेग्राफ। एनिमेग्राफ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपने वर्किंग मॉडल्स के लिए या फिर अपने स्कूल प्रेजेंटेशन वर्किंग मॉडल के लिए एनिमेशंस की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से रिलेटेड आपको एनिमेशंस मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने प्रेजेंटेशन में लोगों को समझा सकते हैं इनके वर्किंग मॉडल को, और या फिर अपने वर्किंग मॉडल में इनका इस्तेमाल करके अपने मॉडल को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है मैथवे। मैथवे वेबसाइट उन मैथ्स लवर के लिए है जो कि मैथ्स में थोड़ी सी वीक हैं और चाहते हैं कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशन, और अगर आप थोड़ा बहुत मैथ में हीरा फेरी करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एलजेब्रा से लेकर ट्रिग्नोमेट्री से लेकर कैलकुलस तक। यहाँ पे आप इनके एडिटर में अपने क्वेश्चंस को लिखकर उनके सॉल्यूशन आसानी से पा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है iFixit। iFixit एक मैनुअल गाइड वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या उनके पार्ट्स से रिलेटेड मैनुअल गाइड मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल कर आप उनको घर बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है PDF ड्राइव। PDF ड्राइव मेनली ईबुक्स के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक से रिलेटेड ईबुक्स मिल जाएंगी, मोटिवेशन, पेरेंटिंग, लाइफ, पैशन, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक से रिलेटेड आपको ईबुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी, वो भी फ्री में, जिनका इस्तेमाल कर आप काफ़ी सारी नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है ओपन कल्चर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल को फाइंड करने में दिक्कत होती है ऑनलाइन, तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से लेकर ईबुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं आसानी से। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है चीटोग्राफी। अगर आपको चीट्स बनाने फिर शॉर्ट आंसर्स बनाने में दिक्कत होती है तो ये वेबसाइट काफ़ी एफिशिएंट हो सकती है आपके लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स कैटेगराइज कर रखे हैं जहाँ पे जाकर आप अपने मन चाहे टॉपिक से रिलेटेड चीट्स या फिर शॉर्ट आंसर्स पा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है जैमजा। जैमजर उन लोगों या स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है। यहाँ पे आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है एक बार और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्मेट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि PDF टू वर्ड, वर्ड टू PDF, MP4 टू MP3 और भी कई सारे। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है हेमिंगवे।
हेमिंगवे उनके लिए जिनके ग्रामर्स में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली अपने उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और उसमें जितने भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव है ग्रामरली का एक्सटेंशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है आपके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स रिलेटेड। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है डुओलिंगो। डुओलिंगो उनके लिए जो कि काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी अपने नेटिव लैंग्वेज में। बस आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज आपको सीखनी है उसे सिलेक्ट करना है और अपने नेटिव लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है HiPDF। HiPDF उन लोगों के लिए जो कि अपने PDF को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे वर्ड टू JPG टू Excel और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल कर आप आसानी से PDF को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप फर्दर उन्हें एडिट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है रिज्यूमे मेकर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, जिनका इस्तेमाल कर आप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है office.com। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वेब वर्जन है, तो अगर आपके पास एट द मोमेंट कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल नहीं है तो आप इस वेब वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं।